और अब आइए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। आज जमहूरियत का दिन है, आज ही के दिन हमारे इस मुल्क में जमहूरियत नाफिज हुई थी। जमहूरियत के हवाले से अगर कोई नज्म न पढ़ी जाए तो मैं समझता हूं कि नाइंसाफी होगी। आज का ये मुशायरा कोहना मश्क उस्ताद शायर जनाब समद एसडी मरहूम की याद में मुनक्किद किया गया है और मैं गुजारिश कर रहा हूं उन्हीं के लायक पर्सन मोहम्मद आमिर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जनाब समद एसडी साहब मरहूम की वो नज्म पढ़ करके आज के इस मुशायरे में अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। माइक पर जनाबे मोहम्मद आमिर एसडी जलालपुरी। मेरे कस्बे के मुअज्जिज़ सामईन और करीब मेरे कस्बे के मुअज्जिज़ सामईन हजरात कस्बे पे और डाइस पे बैठे हुए लायक एहतराम शख्सियत है सबको मैं एहतराम के साथ कहता हूँ कि बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हम हर अहले फर्द का एहतराम करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब एक नज़्म मैं अपने अब्बू जान की पढ़ने जा रहा हूँ जी, आता हो आता हो, जिसका नाम है दो तहजीबों का संगम। जरूर। अपने देश की अजमत पर कुर्बान सारा आलम, हिंदू मुस्लिम दो तहजीबों का है इसमें संगम। अपने देश की अजमत पर सुबह का है पाकीज़ा मंजर, छोड़ के अपना नरम ये बिस्तर, मंदिर को जाते हैं पुजारी, मस्जिद में जाते हैं नमाजी, कोई झुका भगवान के आगे, कोई झुका रहमान के आगे, दोनों का है एक ही मकसद, दोनों के सरखम। अपने देश की अजमत पर है कुर्बान सारा आलम, बहुत अच्छे, हिंदू मुस्लिम दो तहजीबों का है इसमें संगम। अपने देश की अजमत पर आगे एक बंद सुनिए। अपने देश की अजमत पर है कुर्बान सारा आलम, हिंदू मुस्लिम दो तहजीबों का है इसमें संगम। अपने देश की अजमत पर दोनों का है एक अकीदा, काशी हो वो चाहे मक्का, एक जगह ऋषियों की अमानत, एक जगह नबियों की अमानत, एक जगह ऋषियों की अमानत, एक जगह नबियों की अमानत, जब तीरथ हज को हम जाए साथ में वो तो पालाए, जब तीरथ हज को हम जाए साथ में वो तो पाले आए, पाकीज़ा है गंगा जल मुतबर्रिक आबे ज़मज़म। अपने देश की अज़मत पर कुर्बान सारा
बहुत बढ़िया बहुत दो मुस्लिम दो तहजीबों का है इसमें संगम अपने देश की अजमत पर थे जो यजीदो रामन जालिम सच्चाई के दुश्मन जालिम नेकी फुस अंजाम हुई थी और बदी नाकाम हुई थी नेकी फुस अंजाम हुई थी और बदी नाकाम हुई थी सदियों का ये जख्म है गहरा देख मुहर्रम और दशहरा सदियों का ये जख्म है गहरा देख मुहर्रम और दशहरा जिक्र हुसैनो राम अकीदत से हम अपने देश की अजमत पर है कुर्बान सारा आलम हिंदू मुस्लिम दो तहजीबों का है इसमें संगम आगे बंद देखिए इरशाद इरशाद इसकी मिट्टी में है शामिल इसकी मिट्टी में है शामिल जोगी पीरो फकीर कामिल क्या अल्फाज की जादूगरी है नेक बुजुर्गों अवतारों का ऊंचे ऊंचे किरदारों का नेक बुजुर्गों अवतारों का ऊंचे ऊंचे किरदारों का देख जन्म स्थान यही है अपना हिंदुस्तान यही है यही हुए हैं चिश्ती नानक राम कृष्णो बहुत अच्छे क्या बात है बहुत अच्छे बहुत खूब इरशाद इरशाद हम हिंदुस्तानी कैसे होते हैं शायर ने क्या कहा है देखिए उनकी हम हैं समद वो हिंदुस्तानी जिनकी रोशन है पेशानी क्या बात है दिल में सबका प्यार बसा कर नफरत की दीवार गिरा कर आगे बढ़ते जाएंगे हम दुनिया पर छा जाएंगे हम कौमी एकजहती का लेकर अपने हाथ में परचम अपने देश की अजमत पर कुर्बान सारा आलम